एक्साइटेड हूँ. मुझे लगता है कि टाइगर इज़ गोइंग टू बी फैंटास्टिक इन दिस फिल्म. बागी वन बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही और जिस तरह से साजिद भाई ने इसे प्रेजेंट किया है, जिस तरह से फिल्म इस स्केल पे बनी है, अहमद बहुत पुराने दोस्त हैं मेरे एंड आई एम सो हैप्पी फॉर एमू क्योंकि आई हैव ऑलवेज फेल्ट ही इज़ सो टैलेंटेड और आज फाइनली साजिद भाई ने उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है बागी टू में अपने टैलेंट को प्रूव करने का. आई थिंक ही इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग एज अ डायरेक्टर एंड टाइगर तो इज़ फैबुलस. आई थिंक इज़ ग्रोइंग इन सुपर स्टारडम एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हिम बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट एंड हम्बलेस्ट चिल्ड्रन इन द इंडस्ट्री. जी बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत ही नर्वस हूँ मैं. बस एक एक्सपेक्टेशन है ऑडियंसेस के, दर्शकों के, तो उम्मीद करना चाहता हूँ. आई थिंक एक ज़रूरी चेंज था मेरे लिए, खासकर क्योंकि मुझे री इन्वेंट करना था वो और या लीक हो गए पेपर वो मुझे पता नहीं उसके बारे में, बट बहुत ही अफसोस की बात है. अनफॉर्चुनेट दैट पेपर्स हैव लीक. आई कांट कमेंट मच ऑन दैट राइट नाउ. मेरा दिमाग अभी फिलहाल बागी बागी चलती दिमाग. बहुत अच्छा लगा. मेरा बच्चे का पिक्चर साजिद भाई ने इंट्रोड्यूस किया है. साजिद भाई है, साजिद भाई की पिक्चर है और बाबा का उनका कॉम्बिनेशन सॉलिड है. ट्रेलर बहुत अच्छा लगा बाबा. अभी सामने दिख रहा है ना, साथ में नजर आए ना. तू कोई सब्जेक्ट लिख के दे. रैम्बो की याद दिलाती है एंड आई डोंट थिंक टाइगर हैज लुक्ड बेटर, लुकिंग आउटस्टैंडिंग. हमेशा था कि यू नो अनडाउटेडली कह सकते हैं कि देयर इज अकी ऑफ कोर्स ऑन वन साइड एंड देयर इज टाइगर ऑन द अदर. सो आई थिंक ही इज द न्यू एक्शन हीरो दैट द इंडस्ट्री वाज लैकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू नो, एंड आई थिंक इट्स टाइगर श्रॉफ. सबसे सिंसियर एक्टर है, सबसे सिंसियर बच्चा है वो. और आई थिंक पहली फिल्म देखने के बाद भी मैंने यही कहा था कि नॉट ओनली इन इंडिया, आई थिंक ही इज अमंग द टॉप इन द वर्ल्ड. यू नो मैम, मेरा मानना है कि लेट टैलेंट रिमेन टैलेंट. लोगों ने अप्रिशिएट किया है तो वैसे ही रहने दिए. हमारा दिल बड़ा है, वी आर इंडियंस और हमारा दिल हमेशा बड़ा रहेगा. और अतिथि देवो भव, एक अगर कोई किसी के दिल में है तो शायद इंडियन से बढ़कर कोई और नहीं है. तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट.